हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने 17 सदस्यीय स्क्वाड चुना है। दोस्तों, एशिया कप में जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की वापसी हो रही है, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को एशिया कप में मौका नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टीम इंडिया का एशिया कप में प्लेइंग 11 क्या हो सकता है और इस स्क्वाड में टीम इंडिया की चार सबसे बड़ी खामियां क्या है जो आगे एशिया कप में टीम इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, उसको जानते हैं। तो दोस्तों, एशिया कप के शुरुआती प्लेइंग 11 में ओपनर के रूप में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल हमको ओपन करते हुए नज़र आएंगे। फिर तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर अगर श्रेयस अय्यर फिट रहेंगे तो चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पाँचवें नंबर पर केएल राहुल, छठवें नंबर पर हार्दिक पंड्या, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पर अक्षर पटेल या फिर शार्दुल ठाकुर, दोनों में से कोई एक प्लेयर आठवें नंबर पर खेल सकते हैं। दोस्तों, वही नौवें नंबर पर एक स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव, दसवें नंबर पर मोहम्मद शमी या फिर मोहम्मद सिराज या फिर ग्यारहवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, ये भारत का प्लेइंग 11 हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, टीम इंडिया की चार सबसे बड़ी खामियां क्या है उसको जानते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया की सबसे बड़े परेशानी नंबर चार के बैट्समैन को लेकर है। इस समय श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट है तो उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे दो खिलाड़ियों को क्यों चुना गया है, और अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं है तो उनको एशिया कप में मौका क्यों दिया गया है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा है कि अभी केएल राहुल पूरी तरह से फिट नहीं है और वह एशिया कप के शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, केएल राहुल के बदले एशिया कप की स्क्वाड में ईशान किशन और संजू सैमसन का ही नाम है। दोस्तों, ईशान किशन अभी तक जितने भी रन बनाए हैं वह ओपन करते हुए बनाए हैं और संजू सैमसन को नंबर पाँच पर ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, तो यह भी समस्या भारत के सामने आएगा। दोस्तों, एशिया कप श्रीलंका में खेला जाएगा, वहां की पीछे स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है। इसके बावजूद भारत ने केवल अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को ही स्क्वाड में चुना है और भारत के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को एशिया कप में मौका ही नहीं दिया गया है। दोस्तों, एशिया कप में भारत ने एक भी लेग स्पिनर गेंदबाज को नहीं चुना है। दोस्तों, इसके अलावा टीम इंडिया एशिया कप में छः पेसर्स को जगह दी है। दोस्तों, इन छः गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पंड्या है, लेकिन ये सभी राइट आर्म गेंदबाज हैं। दोस्तों, भारत ने एशिया कप के लिए एक भी लेफ्ट आर्म पेसर की सिलेक्शन नहीं किया है, जो कि टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो दोस्तों, अब आगे देखना होगा कि टीम इंडिया एशिया कप में कैसा प्रदर्शन, कैसा खेलती है। बहुत सारे सवाल के जवाब हमें वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में ही मिल जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों, भारत एशिया कप में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा और एशिया कप की ट्रॉफी को एक बार फिर से जीतेगा। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे अपडेट के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।